Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. As we have started our second chapter reproduction in flowering plants of class 12, हमने कल देखा था flowers के parts देखे थे, accessory parts देखे थे, essential parts देखे थे जो कि reproductive parts थे. Anther देखा था, anther का structure देखा था जहाँ पे मेल क्या है हमारा माइक्रोस्पोर या फिर मेल पोलन ग्रेन वहाँ पे फॉर्म होंगे. तो हमने एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था, वो कुछ इस तरीके से दिखता था, दिखता है सॉरी. इसके अंदर क्या है, एक कनेक्टिव लेयर है, ठीक है, जो स्टराइल है, जो रिप्रोडक्टिव की कौन से रिप्रोडक्शन की कौन से भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ये सारे स्ट्रक्चर हमने कल देखे थे, ब्रीफली देखे थे, फिर से देखते हैं, ठीक है. क्या है ये, एंथर है, ठीक है, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है. हमें पता है एंथर कैसा होता है, बायलोब्ड होता है, डाइथिकस एंथर है एंजियोस्पर्म में, ये है कनेक्टिव, स्टराइल कनेक्टिव. और एंथर का जो पार्ट है इसके अंदर ये जो सर्कुलर पार्ट हमने दिखाया है ये है माइक्रोस्पोरेंजियम. ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम. एट द अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज इट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम. लेटर आफ्टर डेवलपमेंट इट विल कन्वर्ट इन टू पोलन सैक, मतलब पोलन ग्रेन्स जो है, माइक्रोस्पोर्स जो है वो कहाँ पर डेवलप होंगे, एंथर में, एग्जैक्टली हियर, ठीक है. अब हमने देखा था ये जो सिंगल लेयर क्या है, स्ट्रक्चर है. अब ये आउटर लेयर है एंथर का और ये इनर लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम का. यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर है इसे हम कहेंगे एंथर वॉल, एंथर वॉल. इसके अंदर ये थ्री लेयर से डिवाइडेड है. ये जो फ्लैट सिंगल लेयर दिख रहा है आउटर लेयर, ये है एपिडर्मिस. उसके नीचे है सिंगल लेयर एंडोथेशिया, ठीक है, और उसके नीचे है ये वाले, ये है मिडल लेयर. फिर लास्ट में जो हमारा इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका लेयर आता है, उसे कहते हैं टैपेटम, ठीक है. यहाँ तक हमने कल ये स्ट्रक्चर देखा था. अब इनके फंक्शन देखते हैं. ये जो है थ्री लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर. यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और एंडोडर्मिस और ये जो है मिडल लेयर. फंक्शंस देख रहे हैं हम, इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन. पहला फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स, क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रोटेक्ट्स माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, देन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इट हेल्प्स इन डेहिसंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन्स. ठीक है, अब ये थ्री लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है. अर्लियर यंग स्टेज में क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे. और क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे. आफ्टर डेवलपमेंट ये क्या होंगे, फाइब्रस बनेंगे, ठीक है. और ये जो डेहिसंस है तो ये क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करेंगे. व्हाट इज मीन ऑफ डेहिसंस, ठीक है, हियर इज द पार्ट ऑफ डेहिसंस, मतलब
इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे यंग पोलन ग्रेन्स बनेंगे, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उनको हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, और उसके अंदर क्या है हमारे मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे मेल गैमेट्स, ठीक है, सारे मेल गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। और आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर मेच्योरिटी क्या होगा, ये जो थ्री लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंडोथर्मिस, एंडोथर्मिस मिडल लेयर एंड एपिडर्मिस, ये क्या बनेंगे, फाइब्रस बनेंगे, थिक फाइब्रस बनेंगे अप टिल दिस पॉइंट, यहाँ तक ये फाइब्रस बनेंगे। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये जो कर्व पोर्शन है, यहाँ पे क्या होंगे, ये यहाँ पे ये फाइब्रस नहीं बनेंगे, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये फाइब्रस यहाँ तक बनेंगे और ये डेलिकेट स्ट्रक्चर होगा। जब पोलन ग्रेन्स पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे, देन क्या होगा, ये यहाँ से रप्चर होगा, ठीक है, ये जो एंथर है यहाँ से रप्चर होगा और यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। दैट इज मीन ऑफ डहिसेंस, रप्चर ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये जो थ्री लेयर्स है ये किस में हेल्प करते हैं, रप्चर ऑफ या फिर डहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। देन जो इनर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है टेपेटम, इसके फंक्शन देखते हैं। टैपेटम ये जो है ट्रायंगुलर शेल्ड होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने ट्रायंगुलर लिखा है, पहले इनका कैरेक्टर देख लेते हैं कैसे होते हैं। दीज आर, टैपेटम की बात कर रहे हैं हम, टैपेटम, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो सेल है वो स्पेशलाइज सेल है टैपेटम सेल, जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस क्या है, एक से ज्यादा होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियसेस होंगे, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो थिक साइटोप्लाज्म है। अब ये स्पेशलाइज, ये एडेप्टर क्यों है, तो उसके फंक्शन ये है। सबसे पहले दीज आर नरिशिंग सेल्स, ठीक है, थिक साइटोप्लाज्म है तो ये क्या करते हैं, नरिशमेंट के लिए हेल्प करते हैं। किसको नरिशमेंट करेंगे, ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम को एंड माइक्रोस्पोर को। इट दीज आर नरिशिंग सेल्स, नरिशमेंट गिव्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, क्या करता है, ये नरिशमेंट कर देता है, एज बिकॉज इट हैव अ थिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसका और भी फंक्शन है, दे कैन प्रोड्यूस एंजाइम्स ऑल्सो, सम एंजाइम्स रिक्वायर इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, लाइक कैलोज, कैलेज, ठीक है, ये कैलेज एंजाइम एग्जाम्पल है इसका। जब माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो होंगे टेट्राड फॉर्म में, ठीक है, ये हमें आगे देखना है। टेट्राड फॉर्म में मतलब फोर सेल्ड स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, फोर सेल्ड स्ट्रक्चर होगा, ये जॉइंट होंगे कैलोस से, ठीक है, ये जो सेपरेट सेल्स है लेकिन ये क्या होंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे, जॉइंट फॉर्म में होंगे, और ये जॉइन होंगे कैलोस से। अब ये कैलेज जो एंजाइम है ये इनको सेपरेट करने का काम करेगा, और चार डिफरेंट पोलन ग्रेन्स बनेंगे इसमें से, ये हमें आगे देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, टू गिव नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दे कैन प्रोड्यूस एंजाइम लाइक कैलेज, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टैपेटम के फंक्शन।
अब इसके आगे ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया एंथर का एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, कैसे अरेंजमेंट है। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है। ओके, इसके अंदर थिक सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे थिक सेल्स मतलब मल्टीपल सेल्स थिकली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। एक सेल मास होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, क्या है ये, सेल मास। इन्हें कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। क्या है ये, स्पोरोजिनस टिश्यू। कहाँ होते हैं ये, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होती है, ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा इसे यूज़ करती हूँ। अब ये क्या है, यंग स्टेज पे है, ठीक है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज एक टिश्यू फॉर्म में होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और क्या है, मल्टीपल सेल्स हैं। अब देखते हैं आफ्टर डेवलपमेंट, कंसिडर इट, मैं अनदर एंथर ने निकालूंगी, आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है, आफ्टर मैच्योरिटी, ये क्या है, एंथर भी ग्रो होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम का भी साइज थोड़ा ग्रो होगा, तो ये क्या हो जाएंगे सेल्स, माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यूज क्या हो जाएंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स भी थोड़े से लूज हो जाएंगे, ठीक है। अब दिस सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, मतलब यही वो सेल्स है जो क्या करेंगे, हमारे माइक्रोस्पोर्म स्पोर्स फॉर्म करेंगे, हमारे पोलन ग्रेन फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो यही वो सेल्स है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, MMC, ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी है। अब इसके आगे होगा, इसके आगे जो प्रोसेस होगी उसे कहेंगे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, डही सेल्स सबको समझ में आ गया, रप्चर ऑफ एंथर टू रिलीज माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब हम देखेंगे जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब मैंने पहले भी बताया है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यंग स्टेज पे है माइक्रोस्पोरोस्पोरेंजियस टिश्यू, ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, थोड़े से लूज हो जाएंगे, ठीक है। इच स्पोरेंजियस टिश्यू, इस स्पोरेंजियस सेल इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यहाँ तक सबको पता हो चल गया। अब ये माइक्रोस्पोर बनेंगे कैसे, ये हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखना है, ठीक है। क्या होता है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये एक सेल लेते हैं, ये है हमारी स्पोरेजिनस सेल, ठीक है, ये है डिप्लॉइड, ये है डिप्लॉइड सेल, इसमें होगा मियोसिस। मैंने बार बार बोला है मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ये सबको समझ में आ गया था शायद से। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम डिप्लॉइड सेल, ठीक है, मतलब जो डॉटर सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल होंगे, जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, ठीक है। अब ये जो स्पोरेजिनस मदर सेल है या फिर इसे पोलन मदर सेल्स भी कहा जाता है, पोलन मदर सेल, इसमें होगा मियोसिस।
अब मियोसिस होके कितने सेल फॉर्म होते हैं? 4 सेल्स, ठीक है। मियोसिस आपको सेल डिवीजन में आपने 11th में पढ़ा होगा, या फिर से जाके पढ़ लीजिए मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेसेस क्या होती है। जब मियोसिस होता है तो 2 बार सेल डिवाइड होती है और जो टोटल नंबर ऑफ सेल फॉर्म होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं, दैट इज मियोसिस। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं, दैट इज मियोसिस, ठीक है। ये है बेसिक प्रोसेस, मतलब एक सेल 2 बार डिवाइड होगी और दो क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे? 4 होंगे, जो कि हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे भी मियोसिस के बाद कितने सेल्स फॉर्म होंगे? 4 सेल फॉर्म होंगे, लेकिन ये जो 4 सेल्स हैं ये कैसे होंगे? ये एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, लेकिन ये क्या है? सेपरेट सेल्स है। इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड या फिर पोलन टेट्राड। ये टेट्राड फॉर्म में होंगे, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। मतलब एक जैसे देखने के लिए ये कैसे दिखेगा, एक सेल सिंगल सेल दिखेगी, लेकिन क्या है, ये होंगे 4 सेल्स जो क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। ये एक दूसरे से अटैच्ड है, पोलन टेट्राड और माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा मतलब 4, ये है इस तरीके से अरेंज। तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट काइंड से हो सकती है, लाइक दिस 1, 2, 3 and 4 सेल इज बिहाइंड इट, ठीक है। लीनियर फॉर्मेशन में भी हो सकता है, चारों सेल लीनियरली अरेंज भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब टेट्राड फॉर्म हो गया, मतलब अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। मतलब ये हर एक माइक्रोस्पोर में ऐसे, मतलब अलग अलग प्रोसेसेस नहीं होती, ये एक ही माइक्रो, मतलब हर एक माइक्रोस्पोर में ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। हम यहीं पे हमारी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा मियोसिस, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यूज या फिर सेल क्या फॉर्म करेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करेंगे, हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये टेट्राड फॉर्म में होगा आफ्टर सेपरेशन, ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट या फिर क्या कह सकते हैं, सेपरेशन। ये क्या होगा, 4 पोलन ग्रेन्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। 4 पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन या फिर पोलन किट, जिसके अंदर पोलन ग्रेन ही, ठीक है। जैसा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी है, तो ये क्या है, 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस, जैसे हमने अभी अभी देखा था एंजाइम कैलेज, एंजाइम कैलेज हेल्प इन सेपरेशन ऑफ टेट्राड, ठीक है। मतलब ये जो है कैलोस से यहाँ पे ये अटैच्ड होते हैं, ये जो कैलोस केमिकल है या फिर मटेरियल है इससे ये अटैच होते हैं, और एंजाइम कैलेस क्या करेगा, यहाँ पे इनको सेपरेशन के लिए हेल्प करेगा। इस तरीके से यहाँ पे माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है फुलफिल होता है टेट्राड से, और आफ्टर सेपरेशन ऑफ और मैच्योरिटी क्या होंगे, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। हर एक टेट्राड से 4 पोलन ग्रेन्स, इज लाइक दैट थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बनेंगे हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में। हर एक एंथर, डिप्लॉयड एंथर, सॉरी बायलोब्ड एंथर, डायथिकस एंथर, कितने होंगे इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। तो इसके अंदर कितने थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन होंगे, और आफ्टर डेहिसंस, ठीक है, आफ्टर डेहिसंस। अब ये सब बाहर कैसे निकलेंगे एंथर से, प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डेहिसंस। ये यहाँ पे ये जो डेलिकेट वॉल्स है, जहाँ पे क्या है, जो आउटर लेयर है, ये क्या नहीं है, फाइब्रस फॉर्म में नहीं है, ये यहाँ से रप्चर होंगे और ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से बाहर आएंगे, ठीक है। आपके
आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिखाई गई है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है, इसका भी हमें जो है स्ट्रक्चर डिटेल में देखना है। इसका आउटर लेयर फॉर्म होता है, जिसे एग्जाइम कहते हैं। एक मिनट, टू लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये जो पोलन ग्रेन है ये टू लेयर स्ट्रक्चर होता है, इन टाइम एंड आउटर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस एग्जाइम, ये जो आउटर लेयर है ये है एग्जाइम, ये एग्जाइम स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। एग्जाइम जो है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है, और इंटाइन जो है सेल्युलोस एंड पेक्टिन से बना हुआ होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा स्पोरेंजियस टिश्यूज़ कहाँ पे होते हैं, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर डेवलपमेंट ये क्या होंगे, लूज होंगे, ठीक है। और हर एक स्पोरेंजियम से क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होंगे, माइक्रोस्पोर। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस टाइप से होते हैं, मियोसिस से, मियोटिक डिवीजन से होते हैं, ठीक है, माइटोटिक नहीं। माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर स्पोरेंजियस सेल से क्या होंगे, मियोसिस मियोटिक डिवीजन होने के बाद चार पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, जो कि पहले टेट्रेड फॉर्म में होंगे, ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे फोर सेल्स, और बाद में वो क्या होंगे, रिलीज होंगे या फिर वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ पे तैयार होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तैयार होंगे, और उसके बाद हमें पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।